चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपने आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है में जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए नजर आने वाले हैं। इस रोल के लिए जहां सलमान खान ने कई खतरनाक स्टंट खुद किए हैं, वहीं भारी हथियार भी चलाए हैं। फिल्म के एक एक्शन सीन में सलमान खान MG-42 गन चलाते हुए नजर आएंगे, जिसका वजन करीब 25 से 30 किलोग्राम है। आपको बता दें कि सलमान खान की टाइगर जिंदा है बॉलीवुड में धमाके के बाद भी अब वो पाकिस्तान में भी धमाका करने जा रही है। जी हाँ, टाइगर जिंदा है को पाकिस्तान में भी रिलीज करने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि पाकिस्तान में कब रिलीज किया जाना है। आपको बता दें कि सलमान खान इस फिल्म में बेहद खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ एक सीन में सलमान खान ने 2 दिनों तक लगभग 5,000 कारतूस दागे हैं। फिल्म में काफी दिनों के बाद सलमान खान और कैटरीना का एक्शन अवतार दर्शक देख पाएंगे। सलमान खान के फैंस बड़ी ही बेसब्री से सलमान खान की यह फिल्म टाइगर जिंदा है इंतजार कर रहे थे और बेहद इंतजार के बाद सलमान और कैटरीना का रोमांटिक जोड़ी भी दर्शक देख पाएंगे। इस फिल्म में सलमान के साथ कैटरीना कैफ भी बेहद खतरनाक एक्शन सीन करते हुए नजर आने वाली है। यह फिल्म दिसंबर में रिलीज किया जाएगा।